मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन रियासत का 20 साल कदीम मिली इदारा है, जिसकी जानिब से मिल्लत इस्लामिया में तिजारत की अहमियत को बढ़ाने व कारोबार के जज्बे को उभारने के मकसद के तईन मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं, जिनमें मुलाकात कारोबार यानी बिजनेस नेटवर्किंग मीट एक अहम प्रोग्राम है। इसी जिमन में शहर बेंगलोर के सेवरी हॉल में मुलाकात कारोबार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुतअद्दिद इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स व बिजनेसमैन ने शिरकत की। इस मौके पर इदारा एमआईए इंडिया के कौमी सदर अफसर पाशा ने खुशी का इजहार किया कि मुलाकात कारोबार के जरिए एंटरप्रेन्योर्स मुस्तफीद हो रहे हैं और अपने कारोबार में आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छा गुजरा आज, अच्छे दो प्रेजेंटेशन थे, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे। और हमारे इस ग्रुप में कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 3 ट्रेनर्स थे जो बहुत अच्छा उमदा तरीके से सबको जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ट्रेनिंग दिए, तो बहुत ये कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ में जो एक मिनट का जो प्रेजेंटेशन का जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जो पिछले मुलाकात कारोबार से लोग समझने को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अपने कंपनी के बारे में प्रेजेंट करने का तरीका का जो लेवल है वो ऊंचा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौके पर एमआईए इंडिया के अरकान ने मुलाकात कारोबार में शिरकत करने के तजर्बात शेयर किए और कहा कि इस बिजनेस नेटवर्किंग मीटिंग में सभी ने एक दूसरे के बिजनेस के मुतालिक तारुफ पेश किए, ताकि बाहमी फायदे के लिए एक दूसरे के कारोबार में मदद हो और इसके जरिए सभी अपने कारोबार को मजीद तरक्की की राह पर ले जा सकें। तिजारत में सबसे ज्यादा बरकत है और दूसरों को भी फायदा कर सकते हैं, और इसमें मुझे मजा लग रहा है कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं होती। इसीलिए तो शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सबसे ज्यादा बरकत आपकी तिजारत में होती है। और इसमें 21st सेंचुरी ऐसी है कि सेंचुरी में आपको जॉब्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारी की सारी सिस्टम चेंज हो गई है। और जो आदमी अपने आप से कुछ करके करके लॉन्ग जर्नी लेके स्ट्रगल करके आ जाता ऊपर, उसके लिए बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो हमारी कौम की तरक्की अगर सही मायने में हमको करना है तो उसका मेरा मानना है कि तिजारत जो है एक खालिस एक जरिया है जिससे हमारे कौम की तरक्की हो सकती है। आज के माहौल में एम्प्लॉयमेंट और जो भी आप तलाश करेंगे उसके लिए स्किल से जो भी है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी आ रहा है, ये जो तिजारत करने वाले लोग हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपनी तिजारत को ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और तिजारत एक ऐसी चीज है, अल्लाह ताला तिजारत में बरकत रखा है। अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए आए हैं हम सब लोग यहाँ पे, एंड वुमेन के लिए डेफिनेटली इट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद ईच अदर एंड ग्रो देयर बिजनेस। एंड जैसे देर इज वन लेडी हु केम हियर, शी इज अ नॉन मेंबर, एक विजिटर थी, शी इज अ हाउस वाइफ, तो आके देख के इंस्पायर हुई है वो, और वो मुझे बोली कि मैं कभी भी कुछ भी आइडिया आएगा तो मैं आपको फोन करके बात करूंगी टू सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। तो यही है सक्सेस स्टोरी हमारा, कि हम किसी को इंस्पायर कर सके हमारी ये मीटिंग से या जो भी इंट्रैक्शन से है। तो मैं खवातीन को यही बोलूंगी कि ड्रीम बिग, बिकम समथिंग, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, एंड कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ दिमाग में आइडिया होना चाहिए और करने का जज्बा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुलाकात कारोबार फ्रॉम एमआईए इज अ वेरी वंडरफुल प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स बिजनेसेस टू कोलैबोरेट विद ईच अदर रादर देन कॉम्पिटिशन। द वर्ल्ड इज अबाउट कोलैबोरेशन, हर लोग पूरी दुनिया कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमको भी कोलैबोरेट करना है। एंड मेंटरिंग, स्टार्टअप मेंटरिंग, स्टार्टअप सेशन भी हुआ आज, वेयर वी एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, आइडिया कैसा बिल्ड करना, आइडिया वैलिडेशन कैसे करना, व्हाट आर द स्टेप्स टू बिल्ड सक्सेसफुल स्टार्टअप एंड रेस फंड्स
and take the startup to a big level. ये सब चीज डिस्कशन हुए, बिजनेस नेटवर्किंग से कैसे फायदा उठाना, बहुत सारे चीज डिस्कशन हुए माशाल्लाह, बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा आज का। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक चप्पार की रिपोर्ट।